गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर हाफ ईयरली असेसमेंट्स। वेलकम बैक टू कंप्यूटर क्लास। यस बेटा, अब हमारा रिवीजन असेसमेंट 2 है, उसमें आपका क्या सिलेबस है? लेसन 3 एंड लेसन 4। लेसन 4 के बेटा आपको सिर्फ 3 टॉपिक्स करने हैं उसमें, ठीक है? तो आज हम लेसन 3 और लेसन 4 के अपने 3 टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। क्लियर? चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज लेसन नंबर 3। हमारे लेसन का क्या नेम है? मोर ऑन कीबोर्ड एंड माउस। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट कीबोर्ड एंड माउस। इस चैप्टर में हमने कीबोर्ड और माउस के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा, आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, ठीक है? चलिए, कीबोर्ड, इट हैज मेनी कीज ऑन इट, बहुत सारी कीज होती है इसमें, तो आज हम उन कीज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज बेटा लेटर्स टाइप करने के लिए, सेंटेंसेस टाइप करने के लिए, जैसे कि आप अपना नेम भी टाइप कर सकते हो, अपने बारे में कोई भी पैराग्राफ कुछ भी राइटिंग कर सकते हो, आप अल्फाबेट कीज का यूज करके एनीथिंग यू कैन राइट, लाइक लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस। सेकंड इज नंबर कीज। जैसा कि यहाँ से पता चल रहा है नंबर, नंबर मीन्स 1, 2, 3, तो आप नंबर कीज की हेल्प से नंबर्स टाइप कर सकते हो, लाइक 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। स्पेशल कीज बेटा, हमारे कीबोर्ड में अल्फाबेट और नंबर कीज के अलावा और भी बहुत सारी कीज होती है जो कि स्पेशल कीज के अंडर आती है। देन नेक्स्ट इज टॉगल कीज। हमारे पास टॉगल कीज कितनी है? ये पढ़ी थी हमने 2 टॉगल कीज, नंबर 1 कैप्स लॉक एंड नंबर 2 नम लॉक। आप देखेंगे कैप्स लॉक और नम लॉक की जो है उसको हम ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हैं, ठीक है? हम इसको ऑन करते हैं, उसका फंक्शन असेस करते हैं और फिर उसको ऑफ कर देते हैं। तो ये दोनों हमारी कौन सी कीज है? टॉगल कीज। नेक्स्ट इज नेविगेशन कीज। नेविगेटर, नेविगेटर क्या होता है बेटा? जब हम कहीं जाते हैं तो नेविगेटर हमें रास्ता बताता है ना, तो इसी तरह से जो हमारे कीबोर्ड में नेविगेशन कीज होती हैं, ये क्या करती है? ये हमारे कर्सर की मूवमेंट बताती हैं, हम अपने कर्सर को नेविगेशन कीज की हेल्प से मूव कर सकते हैं। कीबोर्ड देखिए बेटा, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ यूज्ड फॉर टाइपिंग। टाइपिंग करने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। देर आर मैनी कीज ऑन, यस, फर्स्ट इज अल्फाबेट कीज। यहाँ पर बेटा आपको देखिए 1, 2, 3 के नीचे दीज आर द अल्फाबेट कीज, ये अल्फाबेट कीज हैं, ठीक है? इनकी हेल्प से हम क्या टाइप कर सकते हैं? वी कैन टाइप लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस एक्सेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट इज नंबर कीज। नंबर कीज कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 0, ये 10 नंबर कीज हैं। दीज कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स। नेक्स्ट इज स्पेशल कीज। बेटा हमारे कीबोर्ड में कुछ स्पेशल कीज होती हैं, लाइक बैकस्पेस, एंटर, शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल, ठीक है? तो ये हमारी स्पेशल कीज हैं। इसके अलावा स्पेस बार की भी, क्लियर? तो ये कीज जो हैं ये डिफरेंट फंक्शंस करती हैं, लाइक बैकस्पेस इज यूज्ड टू इरेज द लेटर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, एंड शिफ्ट की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स व्हेन कैप्स लॉक इज ऑफ, और शिफ्ट की इज यूज टू टाइप अपर सिंबल्स। देखिए 1, 2, 3 के ऊपर एक छोटे छोटे सिंबल्स आपको गिवन है, इन सिंबल्स को टाइप करने के लिए हम क्या करेंगे? शिफ्ट की को होल्ड करके इस की को प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर जो की के ऊपर लिखा हुआ है वो स्क्रीन पर आ जाएगा। एंटर की, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। क्लियर? कंट्रोल की, कंट्रोल की को हम
अदर कीज़ के साथ यूज़ करते हैं, एंड ऑल्ट की इट इज़ ऑल्सो यूज विद अदर कीज़। नेक्स्ट इज टॉगल कीज़। हमारे पास टू टॉगल कीज़ हैं, फर्स्ट इज़ कैप्स लॉक एंड सेकेंड इज़ नम लॉक। कैप्स लॉक की कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए यूज़ की जाती है और नम लॉक की नंबर्स टाइप करने के लिए यूज़ की जाती है। नम लॉक की कहाँ पर होती है बेटा? हमारे कीबोर्ड में राइट साइड पर एक न्यूमेरिक कीपैड होता है, उसको ऑन करने के लिए हम नम लॉक की को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ नेविगेशन कीज़। नेविगेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेविगेटर क्या करता है? रास्ता बताता है। तो इसी तरह से जो नेविगेशन कीज़ होती हैं, ये हमारे कर्सर की मूवमेंट को डिसाइड करती हैं कि हमने कर्सर कहाँ लेकर के जाना है। ठीक है, दिस इज़ अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की। ठीक है, अगर आप राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर राइट साइड की तरफ मूव करेगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड की तरफ। अप एरो की प्रेस करेंगे, कर्सर विल मूव अपवर्ड्स। डाउन एरो की प्रेस करेंगे, कर्सर विल मूव डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए होम की, होम की से क्या होगा? हमारा जो कर्सर है वो लाइन की स्टार्टिंग में आ जाएगा और एंड से हमारा जो कर्सर है वो लाइन के लास्ट में आ जाएगा। पेज अप से हम एक पेज ऊपर चले जाएंगे एंड पेज डाउन से हम एक पेज डाउन आ जाएंगे। नेक्स्ट इज अदर कीज़। इसके अलावा बेटा हमारे कीबोर्ड पर पंक्चुएशन कीज़ होती हैं। आप लोग इंग्लिश में करते हो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सेमी कॉलन, तो ये कीज़ हमारे कीबोर्ड में होती हैं और इन कीज़ को हम क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन कीज़। नेक्स्ट इज सिंबल कीज़। सिंबल कौन से? लाइक स्टार, प्लस, माइनस, हाइफन, ये सारे क्या हैं? सिंबल्स। तो ये भी कीज़ होती हैं हमारे कीबोर्ड में, इन कीज़ को हम क्या बोलते हैं? सिंबल कीज़। नेक्स्ट इज़ फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ बेटा कीबोर्ड में सबसे फर्स्ट लाइन में होती हैं, ये 12 होती हैं, F1 to F12। हमारे पास 12 फंक्शन कीज़ होती हैं, F1 to F12। नेक्स्ट इज़ एस्केप की। हमारे कीबोर्ड में सबसे फर्स्ट की टॉप पर, लेफ्ट कॉर्नर पर जो की होती है वो होती है एस्केप की। क्लियर? नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? माउस। माउस के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आपको पता है माउस में टू बटन होते हैं, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन, और बीच में एक स्क्रोल व्हील होता है, आपने देखा हुआ है ना माउस। तो हम आज माउस सेक्शंस की बात करते हैं। फर्स्ट इज लेफ्ट क्लिक। जब हम माउस बटन को, माउस के लेफ्ट बटन को वन टाइम क्लिक करते हैं, दैट इज लेफ्ट क्लिक। सेकेंड इज डबल क्लिक। जब हम माउस के लेफ्ट बटन को टू टाइम्स प्रेस करते हैं विदाउट एनी ब्रेक, दैट इज कॉल्ड डबल क्लिक। थर्ड इज राइट क्लिक। जब हम माउस के राइट बटन को प्रेस करते हैं वन टाइम, तो क्या होता है? वो होता है राइट क्लिक। एंड फोर्थ इज ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप में हम क्या करते हैं? हम लेफ्ट बटन को प्रेस करके माउस को ड्रैग करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। एंड लास्ट वन इज स्क्रोलिंग। हमारे माउस में एक स्क्रोल व्हील होता है, जब हम उसको मूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्क्रोलिंग। अब हम इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज माउस। देखिए बेटा, यहाँ पर माउस को लेबल किया हुआ है, इट हैज़ टू बटन्स, लेफ्ट बटन, देन दिस इज राइट बटन। देखिए सेंटर में दिस इज स्क्रोल व्हील और ये हमारे माउस की वायर है। नाउ वी विल लर्न माउस एक्शंस। फर्स्ट इज क्लिक। जब हम माउस के लेफ्ट बटन को वन टाइम क्लिक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लिक और लेफ्ट क्लिक। व्हेन वी प्रेस लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस विदाउट एनी ब्रेक, जब हम दो बार उसको प्रेस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डबल क्लिक। थर्ड इज राइट क्लिक। जब हम माउस के राइट बटन को प्रेस करते हैं तो वो होता है राइट क्लिक। ड्रैग एंड ड्रॉप। बेटा माउस की हेल्प से हम अपने आइकन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं,
माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके माउस को हम ड्रैग करते हैं तो हम किसी भी आइकन को मूव कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। एंड लास्ट इज़ स्क्रोलिंग। आपने स्क्रोल व्हील देखा माउस में, ठीक है, तो जब हम स्क्रोल व्हील को मूव करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्क्रोलिंग। क्लियर। नाउ फर्स्ट इज क्लिक। क्लिक इज यूज टू सिलेक्ट एन आइटम। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक इट इज यूज टू ओपन एन आइटम। इसकी हेल्प से हम किसी भी आइटम को, किसी भी आइकन को ओपन कर सकते हैं। राइट क्लिक, जब हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है डिफरेंट कमांड्स की। ड्रैग एंड ड्रॉप, इस ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम अपने आइकन्स को मूव कर सकते हैं। एंड स्क्रोलिंग, स्क्रोलिंग से हम पेज अप एंड डाउन कर सकते हैं। यस, नाउ वी विल रिवाइज अ लेसन नंबर 4। द नेम ऑफ द लेसन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा जैसा कि आपको पता है आपके घर में क्या है, मम्मी पापा हैं, वो आपके घर को ऑपरेट करते हैं, सारा काम करते हैं ना घर का। इसी तरह से हमारे कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, जो हमारे कंप्यूटर के वर्क को कंट्रोल करता है, उसकी वर्क को हैंडल करता है, कंप्यूटर के वर्क को हैंडल करता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डेस्कटॉप एंड इट्स कंपोनेंट्स एंड थर्ड इज सिलेक्टिंग एंड डीसिलेक्टिंग आइकन्स। सबसे पहला आपका है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमारे कंप्यूटर को, हमारे कंप्यूटर की वर्किंग को हैंडल करता है। क्लियर। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के डिफरेंट वर्जन्स हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, है ना, तो हमारे सॉफ्टवेयर में इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, लाइक विंडोज 95, देन विंडोज 97, देन विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी। इस तरह से अलग अलग इसके वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज डेस्कटॉप एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब डेस्कटॉप क्या होती है, जो हमारे पास सबसे पहली स्क्रीन हमें कंप्यूटर पर दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उसी तरह से डेस्कटॉप के भी पार्ट्स होते हैं, अब हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग एंड डी सिलेक्टिंग आइकन्स। इसमें हम क्या करेंगे कि हमें अगर किसी आइकन को सिलेक्ट करना है तो हम कैसे करते हैं, और डी सिलेक्ट करना है यानी कि उसकी सिलेक्शन को हटाना है, वो हम कैसे करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हम माउस का लेफ्ट बटन उस आइकन पर जाकर के प्रेस करते हैं तो हमारा आइकन जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, और डी सिलेक्ट करने के लिए हम जहाँ भी बैंक एरिया हमें दिखाई दे वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो वो जो आइकन है वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल डिवाइस ऑल दिस। हमारा नेक्स्ट चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया घर पर आपके मम्मी पापा हैं, वो आपके घर को ऑपरेट करते हैं ना, चलाते हैं ना, सारे काम करते हैं और उनको पता है क्या काम करना है, कैसे करना है। इसी तरह से हमारे कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर की वर्किंग को हैंडल करता है। क्लियर। हम इतना काम करते हैं कंप्यूटर पर और वो सारा काम अंदर कंप्यूटर में कौन हैंडल कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। वर्जन्स ऑफ विंडोज। देखिए बेटा विंडोज़ क्या है, विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे कंप्यूटर में होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। इसके बिना हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, तो विंडोज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है। ये क्या करता है, ये हमारे कंप्यूटर की वर्किंग को हैंडल करता है। नेक्स्ट इज वर्जन्स ऑफ विंडोज़। वर्जन्स क्या होते हैं, अब हमारी जो विंडोज़ है इसमें धीरे धीरे चेंजेस होते गए, देर आर सो मैनी चेंजेस मेड इन द विंडोज़, तो ग्रेजुअली हमारी जो विंडोज़ हैं उसके डिफरेंट वर्जन्स आते गए, लाइक विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, ठीक है, इससे पहले भी विंडोज़ 95 था। क्लियर।
तो अब देखिए बेटा, हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है इस समय जो हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ विंडोज़ 10। दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़। नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप। कॉम्पोनेंट्स मीन्स पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप। ये जो स्क्रीन है बेटा, दिस इज डेस्कटॉप। दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द कंप्यूटर एंड इट इज टेल अस दैट यू नाउ कंप्यूटर इज रेडी टू यूज। इससे क्या पता लगता है कि कंप्यूटर जो है अब हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके पार्ट्स देखिए, ये जो आपको छोटी छोटी पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? आइकन्स। फर्स्ट बटन ऑन द टास्क बार एट द लेफ्ट साइड, दिस इज स्टार्ट बटन। क्लियर? और ये जो नीचे आपको लंबी सी लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज टास्क बार। तो हमारी डेस्कटॉप के कौन से कंपोनेंट्स हैं? आइकन्स, स्टार्ट बटन एंड टास्क बार। ग्रेजुअली स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट ऑन द टास्क बार। देखिए, स्टार्ट बटन जो है वो टास्क बार पर होता है। उसके बाद हमारे पास है सर्च बॉक्स। इस सर्च बॉक्स का हम यूज़ किस लिए करते हैं? किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए। एंड दिस इज़ पिन एरिया। ये हमारा क्विक लॉन्चर है, इसको हम पिन एरिया भी बोलते हैं। यहाँ पर हम उन आइकन्स को रखते हैं जिनको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, और यहाँ पर आइकन जो है सिंगल क्लिक से ओपन हो जाता है। एंड हेयर दिस इज सिस्टम ट्रे, और वी कैन से नोटिफिकेशन एरिया। ये नोटिफिकेशन एरिया है, और देखिए यहाँ पर टाइम है। ये क्या है? सिस्टम ट्रे। इसमें काफ़ी आइकन्स होते हैं जो कि हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग एंड डी सिलेक्टिंग आइकन्स। बेटा, आपको स्क्रीन पर बहुत सारे आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। इन आइकन्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, डी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? माउस को आइकन पर लेकर के जाएंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे, द आइकन विल बी सिलेक्टेड। और उसको डी सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? किसी भी ब्लैंक एरिया में आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए, दैट आइकन विल बी डी सिलेक्टेड। क्लियर? अब हमने इसमें पढ़ा था एडजेसेंट आइकन एंड नॉन एडजेसेंट आइकन्स। एडजेसेंट आइकन्स बेटा, ये जो साथ साथ हैं सारे आइकन्स, ये क्या हैं? एडजेसेंट आइकन्स। अगर हम नॉन एडजेसेंट आइकन्स की बात करते हैं तो डिफरेंट प्लेसेस पर, लाइक दिस, देन दिस, देन दिस, दीज आर द नॉन एडजेसेंट आइकन्स। एडजेसेंट आइकन्स को सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं, और नॉन एडजेसेंट आइकन्स को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल की का यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू। Stay home, stay safe and study at home.